वेलकम टू जेबी लर्निंग। मैं आपका टीचर पराग आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 जीएसईबी का चैप्टर नंबर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और ये है वीडियो नंबर 3। अगर बच्चों आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो फटाफट से जाइए और देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि है मेथड्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की तो आपके दिमाग में दो पॉइंट आ जाते हैं क्योंकि ये आपको पहले से पता है। एक होगा मार्केट मैकेनिज्म यानी मार्केट सिस्टम एंड सेकंड है सोशल सिस्टम, मार्केट सिस्टम एंड सोशल सिस्टम। लेकिन पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं फिर हमारी आज की स्टोरी हम स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है कि एलोकेशन यानी अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज मेनली डन बाय टू मेथड्स जो आपको पता ही है। एक है मार्केट मैकेनिज्म। मैकेनिज्म वर्ड के सुन के डरना नहीं है बच्चों, उसका मतलब सिंपल सिस्टम ही गिनेंगे हम यहाँ पे। एक है मार्केट सिस्टम और दूसरा है हमारे पास सोशल सिस्टम। लेकिन ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से बहुत ही अलग है। अगर इन दोनों सिस्टम को मिला दिया जाए तो एक नई सिस्टम आ जाती है जिसे कहेंगे हम मिक्स सिस्टम। पहले तो मैं आपको कंट्रिकली एग्जाम्पल दे दूंगा वन बाय वन एंड उसके बाद हम सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। मार्केट सिस्टम फॉलो करता है अमेरिका जिसे हम फ्री इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। सोशल सिस्टम फॉलो करता है रशिया और इन दोनों का कॉम्बो कौन फॉलो करता है बच्चों, हमारा प्यारा इंडिया। आगे बढ़ते हुए देखेंगे बच्चों फर्स्ट जो कि हमारा टॉपिक है मार्केट सिस्टम। ये मार्केट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसके इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मज़ेदार सी स्टोरी सुनाऊंगा। अगर आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि मार्केट सिस्टम क्या सर ये वही है कि जहाँ पे फ्री इकोनॉमी होती है, गवर्नमेंट का कोई भी बिजनेस में इंटरफियरेंस नहीं होता, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी स्पेसिफाई नहीं होती कि भाई ये रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने ही रहेंगे, एक प्रकार के कॉम्पिटिशन होते हैं और वेराइटी ऑफ चॉइस एंड प्रेफरेंसेस मिलते हैं कस्टमर को, क्या यही मार्केट सिस्टम है? हाँ बच्चों, यही मार्केट सिस्टम है कि यहाँ पे ज़बरदस्त कंपटीशन होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हर बिजनेस स्टार्ट करने का मेन मोटिव सिर्फ क्या रहेगा, मनी मनी एंड मनी यानी कि प्रॉफिट। कोई भी वर्क, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस किसको सेंटर में रखकर स्टार्ट की जाएगी, मनी को यानी कि प्रॉफिट को। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों मार्केट सिस्टम। नेशंस लाइक अमेरिका एंड जापान ये वो कंट्री है बच्चों की जो इकोनॉमिक सिस्टम यानी मार्केट सिस्टम थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर पाए हैं। तो हम कहेंगे कि मार्केट सिस्टम थ्रू कौन से कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाए है बच्चों, अमेरिका एंड जापान। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कैपिटलिस्ट सिस्टम। अगर हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन की तो आपको पता चलेगा प्रॉफिट के स्कोप के बेसिस पे उसे एलोकेट किया गया है और प्रोडक्शन और उसके रिलेटेड सारी एक्टिविटी के सेंटर में क्या कॉन्सेंट्रेट किया जाता है बच्चों, प्रॉफिट। और प्रॉफिट को गिनकर ही बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ तक आपको मार्केट सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि मार्केट इज कम्प्लीटली फ्री इन दिस सिस्टम यानी मार्केट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे आपको पता है कि सोशलिस्ट सिस्टम में सारा पावर किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास, इसी तरह से मार्केट सिस्टम पूरी तरह से फ्री है, वहाँ पे कोई भी इंटरफियरेंस नहीं है, कम्प्लीटली फ्री सिस्टम है। और गवर्नमेंट ने ऐसी कोई स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बनाई होती कि जो हमारे बिजनेस में, हमारी इन मार्केट सिस्टम में थोड़ी बहुत भी रिस्ट्रिक्शन और डिफिकल्टी ला पाए। तो ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है मार्केट सिस्टम का। आगे बढ़ेंगे तो हमें पता ही है कि कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा किस में होगा बच्चों, मार्केट सिस्टम में। ये बहुत ही बढ़िया बात है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मार्केट सिस्टम के अंदर जो ये कॉम्पिटिशन है ना वो पूरा हैंडल करती है एक इनविजिबल हैंड की तरह, इसीलिए हम इसे फ्री इकोनॉमी भी कह सकते हैं। अगर ये मेथड की बात करेंगे ना, बिकॉज ऑफ दिस मेथड की बात करते हैं तो न्यू रिसर्चेज एंड डेवलपमेंट क्रिएट होते हैं प्रोडक्शन मेथड्स में, न्यू क्रिएशन आएगा, न्यू इन्वेंशन होगा क्योंकि मार्केट इकोनॉमी फ्री है यानी हर कोई स्टार्टअप कर सकता है। कैपिटलिस्ट सिस्टम में प्रॉफिट कंसंट्रेट करके हर कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है तो ये इकोनॉमी फास्टली ग्रो करती है। ये यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कंपटीशन कंट्रोल करती है पूरा मार्केट एक इनविजिबल हैंड की तरह। हाँ, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता, इसीलिए बच्चों इसे क्या कहते हैं हम, फ्री इकोनॉमी। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा बच्चों, तो पूरा एक पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया तरीके से अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से लिख पाओ कि अमेरिका एंड जापान वो कंट्रीज है जो मार्केट सिस्टम के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर पाए हैं। मार्केट सिस्टम को दो नाम से हम जानते हैं, एक है कैपिटलिस्ट सिस्टम और एक है फ्री इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट सिस्टम इसलिए क्योंकि यहाँ पे फ्रीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम,
एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किए जाते हैं प्रॉफिट के स्कोप के बेसिस पे, और हर बिजनेस के स्टार्ट करने पे प्रॉफिट को ही सेंटर में रखा जाता है। मार्केट इकोनॉमी कंप्लीटली फ्री है, गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करती, कंपटीशन सबसे ज़्यादा होती है और कंपटीशन ही इंडिविजुअल यानी कि इनविजिबल हैंड के रूप में पूरे मार्केट को कंट्रोल करती है। और यहाँ पे न्यू रिसर्चेज और इन्वेंशन हो गए क्योंकि मार्केट कैसी है बच्चों, फ्री है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं मार्केट सिस्टम के थोड़े बहुत फीचर्स, मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम के फीचर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये पहला नहीं तो दूसरा ही पॉइंट। सही, मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम क्या कहना चाहता है कि ओनरशिप किसकी रहेगी बच्चों? स्टेट अगर इंटरफेरेंस नहीं करता तो स्टेट की तो ओनरशिप रहनी ही नहीं वाली। तो ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इज एदर इंडिविजुअल और प्राइवेट, यानी प्राइवेट सेक्टर की ही क्या रहेगी बच्चों, ओनरशिप। तो ये फर्स्ट पॉइंट बड़ा ही मजेदार है हमारे लिए कि ओहो मार्केट सिस्टम में प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन की ओनरशिप रहती है। हाँ बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों हमारे सेकंड पॉइंट की जो कि दिखा रहा है प्रॉफिट, यानी कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मार्केट सिस्टम में प्रॉफिट को सेंटर में रखकर ही की जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गए, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में जो पॉइंट्स बताए ना बच्चों, उतने ही अगर याद रह गए तो बहुत है आपके लिए। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कंज्यूमर गेट गुड क्वालिटी ऑफ चॉइस। अगर मार्केट में कंपटीशन है तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे और कस्टमर को लार्ज स्केल में क्या मिलेगी, वैरायटी ऑफ चॉइसेस। तो गुड अपॉर्चुनिटी रहती है चॉइस किसके लिए बच्चों, कंज्यूमर के लिए। और एक बात आपके लिए क्लियर कर दूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बायर एंड कंज्यूमर। बायर वो होता है बच्चों जो मार्केट से प्रोडक्ट परचेस करके लाता है, और कंज्यूमर वो होता है जो उसे यूज करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर 12 क्लासमेट की बुक्स अगर आपके पापा मार्केट से परचेस करके आते हैं तो वो क्या है बच्चों, बायर है, और आप उसकी फेयर नोट्स बनाते हो तो आप क्या हो बच्चों, कंज्यूमर। याद रखना बच्चों। आगे बढ़ते हुए देखेंगे फोर्थ, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज नॉट देयर इन द सिस्टम। ये सबसे बढ़िया फीचर है इसका कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता, तो ये बहुत बड़ी बात है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज किसके बेस पे, सॉरी फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, यानी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किसके बेसिस पे होगा बच्चों, प्रॉफिट के बेसिस पे। आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन विल कीपिंग प्राइस मैकेनिज्म इन माइंड। इकोनॉमिक डिसीजन भी तभी लिया जाएगा जब प्राइस मैकेनिज्म यानी प्राइस की सिस्टम माइंड में रखकर कि कितना हमें इससे प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। तो ये थे बच्चों फीचर्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम, छह फीचर से बढ़िया तरीके से याद रखने हैं। ओनरशिप किसकी, प्राइवेट की, प्रॉफिट को ध्यान में रख के बिजनेस स्टार्ट करना है, कंज्यूमर्स को लार्ज स्केल में अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट के बेसिस पे, और इकोनॉमिक डिसीजन प्राइस मैकेनिज्म को माइंड में रखकर ही लिया जाएगा। तो यहां तक बच्चों आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बड़ा ही मजेदार है, मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम के बेनिफिट। अगर कोई भी सिस्टम है तो उसके कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होंगे, तभी तो अमेरिका जैसा कंट्री उसे फॉलो करता होगा, नहीं तो बच्चों थोड़ी फॉलो करता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड इन मार्केट सिस्टम, यानी इंडिविजुअल्स की इकोनॉमिक फ्रीडम है कि वो कितना भी पैसा मार्केट में लगा सकता है, कितने भी गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये सारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फ्रीडम। ये था फर्स्ट पॉइंट हमारा। सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है, रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट और एफिशिएंटली। सेकंड पॉइंट बता रहा है बच्चों, मार्केट चलनी बंद होगी क्या, नहीं। सेकंड पॉइंट बता रहा है बच्चों, रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज्ड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट एंड एफिशिएंटली, यानी जो रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है वो यूटिलाइज किए जाएंगे ऑप्टिमम, यानी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उतनी कंप्लीटली क्या किया जाएगा, उसे ग्रेटेस्ट एक्सटेंट और एफिशिएंटली उसे यूटिलाइज किया जाएगा। मींस कि यहाँ वेस्टेज के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ वेस्टेज भी बढ़ जाता है, किस तरह से ये देखेंगे हम डिसएडवांटेजेस में। आगे बढ़ते हुए देखते हैं बच्चों थर्ड, इन लार्ज क्वांटिटी प्रोडक्शन मे बी डन, लार्ज क्वांटिटी प्रोडक्शन इजीली यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि फ्री इकोनॉमी है, कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। आगे बढ़ेंगे, न्यू एक्सप्लोरेशन कीप ऑन टेकिंग प्लेस कंटिन्यूअसली इन इकोनॉमी, यहाँ पे न्यू रिसर्चेज होंगे, न्यू इन्वेंशन होंगे और बिजनेस का कंटिन्यूअस एक्सप्लोरेशन होगा, मीन्स की बिजनेस क्या होगा, कंटिन्यूअस बढ़ता जाएगा क्योंकि मार्केट पूरे किसके हाथ में है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में है। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ बेनिफिट है बच्चों, क्वालिटी ऑफ थिंग्स इंप्रूव बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन की वजह से जो
क्वालिटी होती है गुड्स और सर्विसेज की वो क्या होगी बच्चों, इंप्रूव होगी, क्योंकि मैं अच्छी सर्विस नहीं दूंगा तो बाजू वाला दे देगा तो कस्टमर वहां पे चला जाएगा। सिंपल सी बात है मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम की। अगर हम इन 5 पॉइंट्स को बच्चों शॉर्ट में रिवाइज करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कहेंगे इकोनॉमिक फ्रीडम है इंडिविजुअल के पास, सेकंड कहेंगे रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन यूटिलाइज किए जाएंगे मैक्सिमम, फाइनल थर्ड कहेंगे लार्ज क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, फोर्थ कहेंगे न्यू एक्सप्लोरेशन होगा कंटिन्यूअसली इन इकोनॉमी में, और फिफ्थ कंपटीशन की वजह से क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छे रहेंगे। आगे बढ़ते हुए देखते हैं बच्चों लिमिटेशंस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम। हम बात करेंगे यहाँ पे जैसे हमने एडवांटेज और फीचर देखे उसी तरह से कुछ लिमिटेशंस है मार्केट सिस्टम की। तो हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ कीपिंग प्रॉफिट इन द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन कॉमोडिटीज आर प्रोड्यूस इन मोर क्वांटिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ लग्जरियस कॉमोडिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट इज नेग्लेक्टेड और रिड्यूस। यानी कि जब हम प्रॉफिट को कॉन्सेंट्रेट करते हैं तब हम बनाएंगे लग्जरियस गुड्स, इलाइट के लिए गुड, रिचर सेक्शन के लिए गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे, और उसी के साथ हम बेसिक रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं नेग्लेक्ट करते हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ को क्या करते हैं नेग्लेक्ट करते हैं। जिनमें कम प्रॉफिट होगा लेकिन वो नेसेसिटी है उनको बिजनेस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन शो करता है मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम की। आगे बढ़ते हुए सेकंड लिमिटेशन हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिसी रिलेटेड टू रोल ऑफ स्टेट, यानी स्टेट का जो इंटरफियरेंस रोल पॉलिसी रिलेटेड कम है तो उससे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होंगे बच्चों वेस्टेज होंगे। लोग क्या करेंगे केयरलेसली हर चीज का ओवर यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट कर देंगे और नेचुरल रिसोर्सेज को उससे क्या होगा बच्चों हार्मफुल होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पॉल्यूशन एयर पोल्यूशन हो या फिर वाटर पोल्यूशन वन काइंड ऑफ पोल्यूशन ही है बच्चों, या तो हार्मफुल हो सके ऐसी मेडिसिंस मार्केट में आ जाए कंपटीशन की वजह से हाई डोज देने लग जाए, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहना चाहते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस अबाउट द मार्केट कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड। मार्केट के रिगार्डिंग अगर कंज्यूमर में अवेयरनेस नहीं है तो प्राइस के रिगार्डिंग और सारी चीज़ों के रिगार्डिंग कंज्यूमर को क्या किया जा सकता है बच्चों एक्सप्लोइट किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट सिस्टम की। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं बच्चों ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम देर इज इंक्रीज इन अनइक्वल ऑफ इनकम, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन हो जाएगी प्रॉपर्टी और इनकम फ्यू पीपल के हैंड में, यानी कि अनइक्वल हो जाएगी इनकम, तो रिच ज़्यादा रिच हो जाएंगे और पुअर ज्यादा पुअर। ये भी एक लिमिटेशन है मार्केट सिस्टम की। हमारी लास्ट लिमिटेशन है देयर इज अ फियर ऑफ मोनोपोली इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर ईटीसी। फियर ऑफ मोनोपोली मार्केट अगर फ्यू पीपल यानी सिंगल हैंडेडली कंट्रोल होने लगा तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, साथ में एक्सप्लॉइटेशन हो गए लेबर्स के जो वर्कर्स रेगुलर वर्क करते हैं वहां पे उनके। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों मार्केट सिस्टम की लिमिटेशंस। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं सोशलिस्ट सिस्टम। आपको पता ही है कि अगर मार्केट सिस्टम अगर लड़की है तो सेम ऑपोजिट सोशलिस्ट सिस्टम एक लड़का है, ये समझ लीजिए। इतना ऑपोजिट है बहुत सी चीज़ें, कोई चीज़ें यहाँ पे आपको सिमिलर नहीं दिखने को मिलेगी। एक बंदर है तो दूसरा इंसान है समझ लो, बिल्कुल ऑपोजिट, एक छोटा है तो एक बहुत ही बड़ा है। सिंपली इतना समझ लेते हैं सोशलिस्ट सिस्टम के बारे में। जैसे हमने उसमें देखा था कि वहाँ प्रॉफिट को ध्यान में रखा जाएगा, और हमने क्या देखा था बच्चों कि भाई वहाँ पे गवर्नमेंट का यानी स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, प्राइस का डिसीजन प्रॉफिट को कॉन्सेंट्रेट करके लिया जाएगा, मार्केट में कॉम्पिटिशन होगा। तो इसका पूरा उल्टा, उसकी जो लिमिटेशन इसके बेनिफिट, उनके बेनिफिट, यहाँ की लिमिटेशन, फीचर्स भी बिल्कुल डिफरेंट। वहाँ पे सब किसका था प्राइवेट इंडिविजुअल का, यहाँ पे सब किसका रहेगा स्टेट का। सोशलिस्ट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम ओरिजिनेट हुई बिकॉज ऑफ लिमिटेशन एंड फेलियर ऑफ मार्केट सिस्टम, यानी मार्केट सिस्टम की लिमिटेशन से कौन जनरेट हुआ बच्चों सोशलिस्ट सिस्टम। रशिया एंड चाइना ये वो दो कंट्री है जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस अचीव कर पाए किस सिस्टम से, सोशलिस्ट सिस्टम से। तो ये मजेदार सा पॉइंट है और आपको याद भी रखना है और कंट्री में मिस्टेक नहीं करनी है। रशिया एंड चाइना किस तरह से डेवलप हुए सोशलिस्ट सिस्टम के थ्रू, और अमेरिका आपको पता ही है मार्केट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, आ गए आपके 5 जबरदस्त पॉइंट तो दिखाते हैं आपको फीचर। सोशलिस्ट सिस्टम में सारे इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेगा बच्चों स्टेट, हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि सारे डिसीजन किसको माइंड में रखकर लिए जाएंगे सोसाइटी को, यानी कि बात कर रहे हैं सोशल वेलफेयर की।
थर्ड, सोशलिस्ट सिस्टम में प्रॉफिट सेकेंडरी है और फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? सर्विस को, यानी सोशल सर्विस को। आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर प्राइस कौन डिसाइड करेगा? स्टेट। एंड फाइनली फार्मिंग भी किसकी होगी बच्चों? स्टेट की, यानी उसे भी ऑन कौन करेगा? स्टेट। तो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट डिफरेंट दे रखे हैं ना बच्चों, ये इसके फीचर्स हैं। यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिली, हर जगह बात कहीं क्या आ गई? स्टेट स्टेट स्टेट। डिसीजन कौन लेगा? स्टेट। प्राइस को इसके अकॉर्डिंग कंसीडर होगी? स्टेट। सर्विस को कंसीडर करना है, प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करना, सोसाइटी को ध्यान में रखना है, और सारी चीजें किसकी रहेंगी? स्टेट की। तो सब कुछ क्या हो गया बच्चों? स्टेट स्टेट स्टेट। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते हुए बच्चों। फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम, अभी अभी तो देखे, वही सारे रिपीट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय स्टेट। तो आपको पता ही है कि अगर वो फार्मिंग ले रहे हैं तो सारे रिसोर्सेज किसके होंगे बच्चों? स्टेट के ही होंगे। आगे बढ़ते हुए देखते हैं ऑल द इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेगा? स्टेट। तो ये भी आपको पता है कि सारे डिसीजन कौन लेगा? स्टेट। अगर मार्केट सिस्टम होती तो इंडिविजुअल लेता, प्रॉफिट मैकेनिज्म यानी प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम को समझ के लेता। आगे बढ़ते हुए देखते हैं थर्ड, रेदर देन प्रॉफिट सोशल वेलफेयर इज द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का मेन मोटिव क्या होगा? सोशल वेलफेयर, ना कि प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा यहाँ पे सेकेंडरी रहेगा, याद रखना है बच्चों आपको। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारा फोर्थ फीचर कि लेबर आर पेड वेजेस इन रिटर्न ऑफ वर्क। लेबर जो वर्क करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग उसे वेजेस मिल जाएंगे। मार्केट सिस्टम में क्या होता है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा बार उसे एक्सप्लोइट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लोइटेशन नहीं होगा। आपको ये फोर फीचर्स याद रखने हैं, रिसोर्सेज किसके हैं? स्टेट के। लेबर्स को पेड वेजेस किसके मिलेंगे? जो वर्क करेगा उसके। प्रॉफिट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। सोशल सर्विस यानी सोशल वेलफेयर ही इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर है, और सारे डिसीजन कौन लेगा? स्टेट। इतनी सिंपल से फीचर से सोशलिस्ट सिस्टम के अगर एग्जाम में पूछे गए तो आप डेफिनेटली अच्छे से लिख पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों बेनिफिट्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम। जो हमने लिमिटेशन देखी थी ना बच्चों मार्केट सिस्टम में, वही है बेनिफिट्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम। चलिए बढ़िया तरीके से देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है हमारे पास बेनिफिट, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी अनइम्पॉर्टेंट एंड लग्जरियस आइटम आर नॉट बीन प्रोड्यूस। यानी कि प्रोडक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा? बेसिक नेसेसिटीज के अकॉर्डिंग। सोसाइटी में क्या रिक्वायरमेंट है उसी तरह के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएगी, अनइम्पॉर्टेंट एंड लग्जरियस आइटम को प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। तो इससे भी ये बेनिफिट हो जाएगा बच्चों कि रिच ज्यादा रिच और पुअर ज्यादा पुअर नहीं दिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एज द डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर टेकन बाय स्टेट, यानी स्टेट सारे डिसीजन लेने वाली है प्रोडक्शन के रिलेटेड, तो वेस्टेज होने का कोई चांस ही नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज को कोई हार्मफुल नहीं होगा, यानी वेस्टेज यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। ये है बच्चों हमारा सेकंड पॉइंट। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि डिस्पेरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव, यानी कि रिच ज्यादा रिच और पुअर ज्यादा पुअर होते थे ना, वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सब लोग किसके नीचे वर्क करते हैं? स्टेट के। आगे बढ़ते हैं बच्चों फोर्थ, कंज्यूमर आर नॉट एक्सप्लॉयड। आपको पता ही है कि लैक ऑफ अवेयरनेस के रिलेटेड अगर हम बात करें मार्केट सिस्टम की, तो वहां पे एक्सप्लोइटेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लोइटेशन नहीं होगा। उनके लिमिटेशन हमारे बेनिफिट्स है, मार्केट सिस्टम की लिमिटेशन सोशलिस्ट सिस्टम के बेनिफिट्स है, उसी तरह आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ की लिमिटेशन देख लेते हैं बच्चों, जो क्या हो गए? मार्केट सिस्टम के बेनिफिट्स। लिमिटेशंस ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम, ओहो चारों मैंने आपको साथ में दे दिए हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ते पढ़ते आपको याद रख लेने बच्चों। लिमिटेशंस ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम बढ़िया से देखो, एज द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय स्टेट, पीपल डू नॉट गेट एंकरेजमेंट एंड मोटिवेशन टू इंक्रीज प्रोडक्शन। यानी रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन सारे स्टेट के हैं, तो पीपल्स एंकरेज नहीं होंगे, हैप्पीली नहीं होंगे, मोटिवेशन में नहीं होंगे कि वो प्रोडक्शन इंक्रीज करे, क्योंकि जितना वर्क करेंगे उतना पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो वर्क करते रहो जितना डिसाइड है उतना ही पैसा मिलेगा। यहाँ पे स्कोप नहीं होता कि स्मॉल से लोग बड़े 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 हो जाए, जितने हो सकते हैं मार्केट सिस्टम में। आगे बढ़ते हुए देखते हैं बच्चों सेकंड पॉइंट, ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटिशन कंटेस्ट एंड रिसर्च डू नॉट गेट मोमेंटम इन द इकोनॉमी। लैक ऑफ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन नहीं है तो कंटेस्ट नहीं होगा, न्यू रिसर्च न्यू इन्वेंशन नहीं होगा, मार्केट का एक्सप्लोरेशन नहीं होगा। तो ये एक लिमिटेशन दिखा रहा है सोशलिस्ट सिस्टम की। थर्ड पॉइंट है बच्चों, देर इज अ लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन द सिस्टम। आपको पता ही है मार्केट सिस्टम होगी तो फ्रीडम होगी इंडिविजुअल को, ये है सोशलिस्ट सिस्टम। जो वर्क करते हैं स्टेट के अंडर में, तो यहाँ पे कोई भी फ्रीडम नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हुए देखते हैं बच्चों
फोर्थ लिमिटेशन, बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंटरफियरेंस ऑफ स्टेट देर इज अ फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पे हर चीज में कंप्लीट इंटरफियरेंस देखने को मिलता है स्टेट का, तो इससे फियर होता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, कि वो कहेंगे और हम कहेंगे, वो कहेंगे और हम करेंगे, वो कहेंगे और हम करेंगे, यही सब हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं मिक्स इकोनॉमी, यानी कि मार्केट और सोशलिस्ट का कॉम्बो। आपको पता ही है कि मिक्स इकोनॉमी कौन कौन से कंट्री फॉलो करते हैं, इंडिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड, ये इसके एग्जांपल है। लेकिन जैसे इसके एडवांटेज है, हमें पता है कि मार्केट और सोशलिस्ट की लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए ही क्या बना है, मिक्स इकोनॉमी। लेकिन फिर भी इसके कुछ लिमिटेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक और इसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मिक्स इकोनॉमी सिस्टम्स, ये फर्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, मिक्स इकोनॉमी सिस्टम अटेम्प्ट एट रिमूविंग द लिमिटेशन ऑफ मार्केट सिस्टम एंड सोशलिस्ट सिस्टम एंड ट्राई टू मिक्सर इन इट्स गुड्स एलिमेंट ऑफ बोथ ऑफ देम। यानी दोनों के बेनिफिट्स को लेना है और उनकी लिमिटेशंस को रिमूव कर देना है, यही है मिक्स इकोनॉमी का गोल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेकंड पॉइंट हमारा है, मिक्स इकोनॉमी इज सच अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोएग्जिस्ट। यानी कि एक ऐसी सिस्टम जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा और पब्लिक सेक्टर भी रहेगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, मिक्स इकोनॉमी बच्चों। लेकिन क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके पास रहेगा। देर इज अ इंडिविजुअल और प्राइवेट ओनरशिप इन एग्रीकल्चर ट्रेड एंड स्मॉल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। यानी कि प्राइवेट सेक्टर कौन से गुड्स बना पाएगा और सर्विसेज कर पाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ओनरशिप रहेगी किसकी बच्चों, एग्रीकल्चर की, ट्रेड की और स्मॉल कंज्यूमर गुड्स की। तो यहां पे आपको पता चल गया कि प्राइवेट सेक्टर के पास क्या रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पब्लिक सेक्टर अपने पास क्या रखती है, हेवी इंडस्ट्री, फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग डिफेंस मटेरियल, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, इरिगेशन, ये सब किसके हाथ में रहता है बच्चों, स्टेट के हाथ में। तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर किस तरह से एग्जिस्टेंस करते हैं, किस में, मिक्स इकोनॉमी में। आगे बढ़ेंगे बच्चों, ये पॉइंट तो खत्म हो गया, आगे बढ़ते हुए देखते हैं को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इज एक्सेप्टेड इन सिस्टम, दिस सिस्टम इज नॉन एज अ कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है बच्चों, कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे बहुत से रिस्ट्रिक्शन भी है और बहुत सा कंट्रोल भी है। आगे बढ़ेंगे बच्चों कि कौन कौन सी कंट्री इसे फॉलो करती है, तो आपको अच्छे से पता है फ्रांस, इंडिया एंड इंग्लैंड क्या फॉलो करती है, मिक्स इकोनॉमी। हमारा लास्ट पॉइंट है बच्चों कि इसकी क्या लिमिटेशंस है, हम बात कर रहे हैं मिक्स इकोनॉमी की लिमिटेशंस की। तो फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, कभी कभार ज़्यादा ग्रोथ, कभी कभार बहुत ही कम, मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन भी हो सकता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी लिमिटेशंस हैं मिक्स इकोनॉमी की। लेकिन इसके बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।